गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस, आई आप सब कैसे हैं। मैं आज इडली बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने हाफ के जी इडली का चावल ली हूँ, एक पाव मैंने उड़द दाल डाली हूँ वाइट वाले, और मैं एक मुट्ठी चूड़ा डाली हूँ। ये देखिए, मैंने एक मुट्ठी बनाई। ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको बनानी है तब ज़्यादा क्वान्टिटी में बना सकते हैं। मैं इससे अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, मेरे अच्छे से फूल चुके हैं चावल, एकदम अच्छे से मेरे फूल चुके हैं। उड़द दाल भी फूल चुकी है, सारे मैंने फूल गए हैं मेरे सारे चावल। अब मैं इसके पानी को निकाल दूँगी। उसके बाद ये देखिए, अब मैं मिक्सर जार लूँगी, उसमें मैं डाल के पीस लूँगी इसे। बिना पानी डाले पीसना है इसे, क्योंकि पहले से ये पानी में सोखा हुआ था। और ये देखिए, मेरे अच्छे से बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे ज़्यादा पतली नहीं बनानी, ना ज़्यादा मोटी बनानी, मीडियम इसे बैटर बनाना है। अब बचे हुए जितने चावल मैं इसे सब अच्छे से पीस के बैटर बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे सारे पीस ली हूँ। आप चाहे इसे अब मैं गर्म होने के लिए धूप में दे दूँगी 2 घंटे के लिए, क्योंकि अभी ठंडी के मौसम में है, गर्मी की रहती तो इसे आप घर में ही रख सकते हैं गर्म जगह में, या आप हीटर पे भी थोड़ा सा डाल सकते हैं गैस पे धीमी आंच पे गर्म होने के लिए। ये देखिए, मैं इसे अब 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी धूप पे, मैंने धूप पे रख दिए हूँ। ये देखिए, मेरे धूप में हो चुके हैं, मैंने धूप पे रख के थे। ये देखिए, फूल गए हैं, गर्म हो चुके हैं मेरे बैटर। आप मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूंगी, और इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसको मैं फेंटूंगी सारे बैटर को अच्छे से। ये देखिए, मेरे बैटर कितने अच्छे से हो चुके हैं। अब ये बैटर और फूल जाएंगे, सारे बैटर अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से फूल गए हैं सारे। ये इसे ही बनानी ये ज़्यादा मोटी और ज़्यादा पतली नहीं, मीडियम बनानी है। मेरे पानी अच्छे से उबल चुके, गर्म हो गए हैं मेरी बैटर है। मैं बैटर को अच्छे से फेंट लूँगी, और मैं इडली का सांचे में सारे बैटर उसमें डाल दूँगी। ये देखिए, मैं अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया, अच्छे से धो लिए हैं, और मैं इसमें थोड़ी सी ऑयल लगा के और बैटर रखी डाली हूँ इसमें। ये देखिए, पानी अच्छे से मेरे गर्म हो चुके हैं। मैं एक एक करके सांचे उसमें रखूँगी। देखिए, मैंने अच्छे से दोनों को रख दी हूँ स्टीम होने के लिए। अब मैं ढक दूँगी और उसे तेज़ आंच में इसे छोड़ दूँगी 2 मिनट के लिए। ये देखिए, मेरे फूली फूली कितनी अच्छी फूली फूली इडली हुई है, एकदम सॉफ्ट। ये देखिए, मेरे कितने अच्छे हो गए हैं। बाकी जो बैटर है मैं उसे बना लेती हूँ। ये देखिए, मेरे सारे बन चुके हैं अच्छे से, और एकदम सॉफ्ट बने हैं ये मेरे। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। ये देखिए, मैं जैसे हो चुके हैं। मैंने चटनी और सांभर ऐसे पहले से बना के रखी हुई थी। मैं इसका वीडियो में मैंने कैसे बनाया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। आप सबको मेरा वीडियो कैसे लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।